हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो सो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्ती होंगे। तो सो गाइस, आज की इस वीडियो में भाई आप लोगों को मैं हाई क्वालिटी में फेस स्मूथ करना सिखाया हूँ, ठीक है ना भाई। ये वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है ना। कोई वीडियो देखो या नहीं देखो भाई, ये वीडियो एक बार प्लीज़ देख लो, ठीक है ना भाई। आपको मतलब 0% आपको फेस स्मूथ करना नहीं आता है ना, तो भाई तुम्हारा भाई आज के इस वीडियो में भाई क्लियर कर देगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, हेयर भी देख सकते हो ऊपर में कितना एकदम लाजवाब बनाया हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों को भी मैं सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे मतलब ऐसा हेयर बना सकते हो, ठीक है ना। एंड भाई फेस स्मूथ कैसे कर सकते हो बिल्कुल मेरे ही जैसे। एंड भाई आप लोगों को मैं मस्त तरीके से यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये देखो मतलब कितना मतलब गंदा पिक था। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना एकदम मस्त वाला पिक बना दिया ना। तो भाई आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे करना, तो वीडियो को क्या करना भाई, स्किप नहीं करना एंड वीडियो को फुल स्क्रीन में देखना, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे चलते वीडियो की ओर। तो सो एवरीवन, हम लोग क्या करेंगे भाई, इस पिक को क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन होगा, आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने स्नैपसीट एप्लीकेशन में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो आप लोगों को क्या करना भाई, स्नैपसीट एप्लीकेशन में शेयर कर लेना। एंड भाई इसमें शेयर करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, टूल्स पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। और भाई जो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड यहाँ पर आपको ट्यून इमेज पर क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे एम्बुलेंस को यहाँ पे 25 के आसपास बढ़ा देना एंड शैडो को 23 के आसपास, ठीक है ना। तो भाई आज मतलब वॉइस में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि भाई मेरे पास माइक नहीं है, क्योंकि मैं दूसरा जगह आया हूँ इसलिए। एंड यहाँ पे आपको अगेन टूल्स पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे आपको क्या करना भाई, सिलेक्टिव टूल्स ले लेना। और भाई कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जहाँ काला लगता है भाई वहाँ पे सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को इनक्रीज कर दो, ठीक है ना। जहाँ पे काला रहेगा वहाँ पे वाइट हो जाएगा सिंपली कुछ इस टाइप से। और आप लोग भी जहाँ पे काला रहेगा वहाँ पे क्या करोगे, वाइट कर सकते हो, ठीक है ना भाई। जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा और हर एक स्टेप को फॉलो करिएगा, ठीक है ना। और भाई जहाँ पे समझ में नहीं आता है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, हल्का सा पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एंड भाई अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस पिक को यहाँ पे से मतलब लाइट रूम एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे। क्या करना, लाइट रूम एप्लीकेशन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो भाई मैं लाइट रूम एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करता हूँ। देन यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये हमारा पिक है। एंड भाई जो कि ये प्रीसेट है, ठीक है ना, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड करके आप लोग क्या कीजिएगा, 3 डॉट पे क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी सेटिंग कर लेना सिंपली, ठीक है ना। एंड कॉपी सेटिंग करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड भाई इतना करने के बाद भाई हम लोग क्या करेंगे, ये 3 डॉट पर चले जाएँगे। एंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3 डॉट पे जाने का, एंड यहाँ पे आपको क्या करने का, पेस्ट सेटिंग करने का, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई पेस्ट सेटिंग कितना एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। एंड भाई इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 1 क्लिक में कितना गजब का मतलब वाइट हो गया है। अभी भाई ये टेलर है, मूवी तो अभी बाकी है, ठीक है ना। बट आप लोग वीडियो का स्किप मत कीजिएगा। एंड आप लोग क्या कीजिएगा, इस पिक को सेव कर लीजिएगा अपनी गैलरी में। एंड भाई हम लोग अब क्या करेंगे भाई, फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे सिंपली। एंड भाई फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना, स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, स्कैनिंग लेगा। देन भाई वेट करने के बाद आप लोग हल्का सा नीचे आ जाना। एंड नीचे आने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये देख सकते हो ब्लर का ऑप्शन होगा, आप लोग इस पे क्लिक कर दीजिएगा। देन इस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे बैकग्राउंड पे आप लोगों को क्लिक कर देना है एक बार, ठीक है ना भाई। मैं बारीकी से बता रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आपको फेस स्मूथ करना सीखना है तो, भाई मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। एंड भाई ब्लर पर क्लिक करने के बाद आप लोग ये सेकेंड वाला ब्लर को सेलेक्ट करना। एंड भाई यहाँ पर देख सकते हो भाई, मैं जितना ब्लर मतलब आप लोग मतलब रखना चाहते हो ना, आप लोग रख सकते हो। यहाँ पे 150, यहाँ पे मैं बाकी मैं यहाँ पे 43 के आसपास रख लेता हूँ। एंड भाई इतना करने के बाद हम लोग एडजस्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड भाई हम लोग सैचुरेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इसका क्या करेंगे, 100 कर देंगे प्लस, ठीक है ना। एंड यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना, इसका भी 100 कर देंगे, ठीक है ना। और भाई ओ यार क्या हो गया यार, फिर से बैकग्राउंड पे एंड यहाँ पे एडजस्ट पे जाना। एंड भाई इतना करने के बाद आप लोग ह्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हो ह्यू। और भाई कितना मैसेज आ रहा है भाई, सॉरी इसके लिए डिस्टर्ब करने के लिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। एंड भाई इसको क्या करना है, 61 के आसपास रखना है, ठीक है ना। एंड इतना करने के बाद हम लोग भाई इस पिक को भाई कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में, ठीक है ना। और भाई आप लोग भी कर लीजिएगा। एंड इतना करने के बाद अब हम लोग भाई पिकसेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे।
सिंपली यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, यहाँ पे आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है। एंड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे आर्टिस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपली, ठीक है ना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आर्टिस्ट पे आप लोगों को क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको फैदल वन पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे इसको क्या करना है, शून्य कर देना, जीरो कर देना, ठीक है ना। और भाई इसको क्या करना, सेलेक्ट मल्टीपल सेलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे इरेजर वाले टूल्स पे क्लिक कर देंगे। एंड भाई हम लोग क्या करेंगे, हार्डनेस को फुल करके ओनली फॉर भाई हम अपना फेस पे से क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे, ठीक है ना। बाकी बात बैकग्राउंड एंड कपड़ा पे रहेगा, बस हम लोग अपना फेस पे से एंड हैंड पे से एंड पैर भी होगा आप लोगों का, मतलब ये तो हाफ फोटो है ना। क्या करना भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको हटा लीजिएगा अपने स्किन पे से, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। एंड भाई इतना करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे देख सकते हो हट रहा। एंड भाई हटने के बाद यहाँ पे देख सकते हो मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, आप लोग मतलब ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना भाई। बहुत आसान है यार तुम्हारा भाई, बहुत आसान कर देता है हर एक मतलब एक चीज़ को, ठीक है ना, बारीकी से बतलाता है। एंड भाई आप लोग स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं इतना ही बोलूँगा, ठीक है ना, स्किप मत कीजिएगा। एंड भाई इतना करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई फोटो रूम एप्लीकेशन का लोगो है, तो पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे पहले हम लोग ड्रो वाले टूल्स पे क्लिक कर देंगे। एंड भाई इस पे क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, देख पा रहे होंगे ये देख सकते हो फोटो रूम है, इसका लोगो हम हटा देंगे, ठीक है ना। पहले हम लोग यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, सेव कर लेंगे अपने पिक को, ओके। एंड भाई इतना करने के बाद हम लोग वहाँ पे स्नैपचैट एप्लीकेशन को फिर से अगेन ओपन कर लेंगे एंड देन यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना एंड यहाँ पे हीलिंग पे टूल्स हीलिंग पे क्लिक करना एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, फोटो रूम एप्लीकेशन का जो लोगो है ना, हम लोग इसको भाई हटा देंगे, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से। एंड भाई इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लीजिए कुछ इस टाइप से, जहाँ पे आपको काला लगता है भाई आप लोग वहाँ पे ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है ना। एंड भाई इतना करने के बाद आप लोग टूल्स पे क्लिक कर दीजिएगा अगेन। एंड भाई टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करना एंड यहाँ पर आपको सैचुरेशन पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। एंड भाई अपने को मतलब जूम करके अपने को क्या करना भाई, फेस मतलब ये लिप्स पे रेड करना, लिप्स पे अप्लाई करना, ठीक है ना, यहाँ पे लिप रेड हो जाएगा। और इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे। एंड भाई अब हम लोग क्या करेंगे ना भाई, मेन चीज़ करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो भाई मेन चीज़ करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे स्केच बुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्केच बुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई, फेस स्मूथ करना सीखेंगे, ठीक है ना। एकदम मस्त तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर फेस स्मूथ कैसे होता है, ओके। तो भाई ये देख पा रहे होंगे मैं यही ब्रश ले रहा हूँ एंड भाई आपको भी यही ब्रश लेना। और भाई ये ब्रश मतलब इतना अच्छा ना कि मत पूछो, ठीक है ना, मैं यही ब्रश यूज करता हूँ, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही मतलब यही यूज करना। एंड इसका मतलब सेटिंग देख सकते हो मैं कौन सा सेटिंग रख रहा हूँ आप, और आप लोग भी ऐसे ही मतलब रख लीजिएगा, ठीक है ना। एंड भाई आपको मस्त तरीके से यहाँ पे क्या करना, फेस को जूम करके मस्त तरीके से यहाँ पे फेस को जितना जूम हो सकता है ना भाई, आप लोग मस्त तरीके से यहाँ पे देख पा रहे होंगे भाई कितना एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है। भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई जितना जूम हो सकता है ना फोटो को, उतना जूम करके अपना फेस स्मूथ कीजिएगा, ठीक है ना। और ब्रश को मतलब छोटा बड़ा करके, जहाँ पे मतलब साइज को बड़ा करना होगा तो बड़ा करके छोटा करके ऐसे मतलब आपको फेस स्मूथ करना, ठीक है ना। भाई मैं मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे दीवार है ना भाई, उसको मतलब प्लस्तर करते हैं राजमिस्त्री सब कोई भी, तो भाई वो देखो वो ऐसे ऐसे मतलब इधर उधर से नहीं चला, ठीक है ना, एकदम बराबर में चला था, ठीक है ना, एकदम ऊपर नीचे इधर ऊपर, ठीक है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही मतलब वही अप्लाई करना, ठीक है ना, आपको बराबर चलाना, कहीं मतलब ऐसे ऐसे मतलब एक जगह पर नहीं घसना उतना, ठीक है ना। एक ही मतलब कितने को मैं देखा हूँ कि भाई एक ही जगह पर ऐसे 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 घसते रहता, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना, एक जगह पर नहीं घसना आपको, मतलब एक दो बार घसना है एंड यहाँ पर निकल जाना, ठीक है ना। मैं यहाँ जैसे कर रहा हूँ एंड भाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारा भाई यहाँ पे बता दिया सारा चीज़ कैसे करना है, आप लोग कर सकते हो। एंड यहाँ पे समझ में नहीं आता तो वीडियो को पीछे करके देख लो भाई। एंड भाई अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे भाई, हेयर बनाएंगे, ठीक है ना। हेयर बनाने के लिए यहाँ पे जस्ट नीचे में एक ब्रश होगा, ठीक है ना, स्मूथ के जस्ट नीचे में। एंड भाई ये सेटिंग है, ठीक है ना भाई, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो कुछ इस टाइप से। एंड भाई आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे व्हाइट को आप लोगों को क्या करना भाई, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। और भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना, यहाँ पे अपने जो है ना हेयर को जो है ना, आप लोग कुछ इस टाइप से यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ हेयर पे, आप लोगों को भी बिल्कुल ऐसे ही अपने हेयर पे अप्लाई करना है, यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे हो रहा है। और भाई आप लोगों को भी मस्त तरीके से यहाँ पे करना है, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
एंड यहाँ पे भाई मस्त तरीके से यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना एकदम, अभी तो भाई ये शुरुआत ही है ठीक है ना, अभी हेयर मतलब मस्त बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। एंड भाई आप लोग भी ऐसे ही हेयर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। एंड भाई अब हम लोग क्या करेंगे, कलर पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोग भाई व्हाइट सेलेक्ट किए थे ना, अब हम लोग भाई ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है ना। ब्लैक को सेलेक्ट करने के बाद आप लोग बस ऐसे ही कर लीजिएगा ठीक है ना, जैसे हम लोग व्हाइट को सेलेक्ट मतलब व्हाइट को किए थे ना, आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे व्हाइट को हम लोग सेलेक्ट किए थे और मतलब अप्लाई किए थे, ब्लैक को बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल ऐसे ही करना है, एंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और भाई यही सेटिंग नहीं है, स्केचबुक से मतलब एक और सेटिंग करना पड़ता है तब मतलब मस्त हेयर बन जाएगा ठीक है ना। तो भाई इतना कर लेना ना, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले हम लोग इस पे को क्या करेंगे सेव कर लेंगे। यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना, एंड यहाँ पे शेयर पे आप लोगों को क्या करना भाई क्लिक कर देना ठीक है ना। एंड अभी हेयर बना नहीं है, अभी बना के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को ठीक है ना, एकदम मस्त तरीके से। एंड यहाँ पे सेव करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, एक टूल भी जो एप्लीकेशन होगा ठीक है ना भाई, इसको ओपन कर लीजिएगा ठीक है ना। और भाई सारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ओके। और यहाँ पे आपको इफेक्ट्स पे क्लिक कर देना, एंड भाई इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सॉफ्ट स्मूथ पे क्लिक कर दीजिएगा ठीक है ना। एंड भाई इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5, 6, 7, 8 आप जितना भी रखना चाहते हो रख सकते हो, बाकी मैं इतना रख लेता हूँ। एंड यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक कर देता हूँ ठीक है ना। एंड भाई इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना भाई, क्लीन पे क्लिक कर देना सिंपली ओके। क्लीन पे क्लिक करना, एंड यहाँ पे भाई अपने हेयर पे अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे अब लग रहा है ना भाई हेयर ठीक है ना, पहले नहीं लग रहा था अब लग रहा है मस्त ठीक है ना। तो भाई आपको बिल्कुल ऐसे ही करना। एंड भाई आप लोगों को क्या करना ना, बैकग्राउंड पे भी अप्लाई करना ठीक है ना, और अपने मतलब कपड़ा पे भी अप्लाई कर लेना, बट फेस पे नहीं करना। और भाई अभी वीडियो को स्किप मत करो भाई, एकदम मस्त मतलब बनाने वाला हूँ। अभी एक सेटिंग और है कि भाई गजब बना देगा ठीक है ना। यहाँ पे मतलब फीका फीका लग रहा है ना फोटो, हम लोग कुछ नहीं मतलब लाइटरूम एप्लीकेशन में इसको शेयर करेंगे, पहले हम लोग इसको सेव कर लेते ठीक है ना। और भाई अब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, एक बार लाइटरूम एप्लीकेशन में इस पिक को शेयर कर लेंगे ठीक है ना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो भाई आप लोग क्या कीजिएगा, लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लीजिएगा इस पिक को ठीक है ना। फीका फीका लग रहा है ना, हम लोग इस वाले सही करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कलर पे क्लिक कर देना ठीक है ना। कलर पे आप लोगों को क्या करना भाई, क्लिक कर देना, देन यहाँ पे आपको मिक्स पे क्लिक कर देना ठीक है ना। एंड मिक्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग ये वाली मतलब सिलेक्ट कर लेना ये कलर, एंड इसका सैचुरेशन फुल कर देना, एंड लैम्बुलेंस को बढ़ा दीजिएगा ठीक है ना। अब हम लोग येलो सेलेक्ट करेंगे ठीक है ना, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे और लैम्बुलेंस को हल्का सा बढ़ा देंगे ठीक है ना। और भाई हम लोग यहाँ पे फेस मतलब कलर सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब सैचुरेशन माइनस कर देंगे और लैम्बुलेंस को बढ़ा देंगे ठीक है ना। एंड यहाँ सैचुरेशन ये रेड को इसको फुल कर दे मतलब कुछ इस टाइप से यहाँ पे रख लेंगे। एंड भाई आपको इसको भी सैचुरेशन को फुल मतलब ऐसे कर देना ठीक है ना, ऐसे कर देना। एंड भाई इसका मतलब ये इसका एक बगल में है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे इस सैचुरेशन को ऐसे कर देंगे ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना मस्त हो गया ना पहले से ज़्यादा ठीक है ना। इतना करने के बाद हम लोग इफेक्ट्स पे जाएंगे, यहाँ पे टेक्सचर को बढ़ा देंगे, क्लैरिटी को एंड पिगमेंट को कम कर देंगे, डिटेल्स पे जाएंगे, शार्पनिंग को इतना कर देंगे, एंड यहाँ पे हम लोग सेव कर लेंगे ठीक है ना। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाई कितना एकदम मस्त तरीके से यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग होकर रेडी हो गया। कहीं पे बताओ भाई कहीं पे गलत हुआ है, कहीं पे गलत हुआ, जैसे मैं आप लोगों को मैं थंबनेल पे बताया था वैसे ही करके दिखा दिया ना तुम्हारा भाई, एकदम रियल बताया, कहीं पे फेक नहीं बताया ठीक है ना। यहाँ पे हेयर भी बनाना मतलब बता दिया। तो सो गाइस थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।